हर साल पितृ अमावस्या के खत्म होते ही अगले दिन से शारदीय नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 165 साल बाद एक अद्भुत संयोग बन रहा है। इस बार पितृ पक्ष की समाप्ति के ठीक अगले दिन से शारदीय नवरात्रे शुरू नहीं होंगे, बल्कि पितृ पक्ष की समाप्ति के एक महीने बाद नवरात्रों की शुरुआत होगी। इस बारे जानकारी देते हुए पंडित जय कुमार शर्मा ने बताया कि अश्विन माह में श्राद्ध पक्ष 3 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक रहेंगे। इस बार श्राद्ध पक्ष के समाप्त होते ही अधिक मास लग रहा है, जो 16 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रे इस बार 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। अधिक मास लगने से इस बार नवरात्रे और पितृ पक्ष के बीच एक महीने का अंतर रहेगा। अश्विन मास में मलमास लगना और एक महीने के अंतर पर दुर्गा पूजा का आरंभ होना, ये ऐसा संयोग है जो करीब 165 साल बाद एक बार फिर बन रहा है। 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी होगी, जिसके साथ ही चतुर्मास समाप्त होंगे। इसके बाद ही विवाह, मुंडन आदि मंगल कार्य शुरू होंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं जय कुमार शर्मा, संचालक मकरंद ज्योतिष कार्यालय मोहल्ला ओबड़ी शहर चंबा का, आज मैं श्राद्ध के विषय में, अधिक मास के विषय में और 165 साल बाद जो ये योग बना है इसके ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ। तो श्राद्ध शब्द जो है, श्रद्धा से किया जाने वाला वो कार्य जो पितरों के निमित्त किया जाता है वो श्राद्ध कहलाता है। श्रद्धा दीयते दानम श्राद्धम प्रकीर्तम, जो श्रद्धा से किया हुआ दान है वही श्राद्ध कहलाता है। तो इस बार वैसे तो प्रतिवर्ष अश्विन भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के अश्विन कृष्ण अमावस्या तक ये 16 दिन जो है वो श्राद्ध के कहलाते हैं। पुराणों में लिखा है कि इन दौरान पितर जो है वो भिन्न भिन्न लोकों में अपनी गति के अनुसार जहां गए होते हैं वहां से मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आते हैं और अपनी संतानों के वहां जाते हैं। पितरों को जो तेल तर्पण या जो भी भक्ष्य भोज्य ले चोष्य खाने के पदार्थ किए जाते हैं उसका वो सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और उसका आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहले पितरों को प्रिय है तिल, तिल का तर्पण जो है वो पितरों को प्रिय है। बाकी जो जिसकी श्रद्धा के अनुसार दे सके वो देना चाहिए, ये नहीं है कि आप कर्जा करके दान करो। और चार चीज़ें जो हैं वो पितरों को दी जाती हैं, भक्ष्य भोज्य लेय और चोष्य। भक्ष्य में वो पदार्थ आता है जो जैसे मक्की भून करके हम देते हैं या सेब है, ये भक्ष्य पदार्थों में आता है। भोज्य में वो पदार्थ आता है जो भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं, बबरू या बड़े या चावल जो भी है भोज्य। तीसरी आती है लेय, लेय होता है लिक्विड, लिक्विड को ले कहते हैं, तो इसमें खीर वगैरह आती है। और चोष्य में आता है गन्ना या मिट्ठू या मौसम्मी, ये चार पदार्थ पितरों को प्रिय हैं। तो इस बार जो है वो 2 सितंबर से श्राद्ध पड़े हैं, 2 सितंबर को पूर्णिमा, 3 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध, 4 सितंबर को द्वितीया का, 5 को तृतीया का। इसी हिसाब से लगातार कोई श्राद्ध में ब्रेक नहीं है। 17 तारीख को पितृ विसर्जनी अमावस्या है, यानी 17 तारीख को पितर जो है वो इस लोक से फिर दोबारा अपने अपने लोगों को चले जाएंगे। किसी कारणवश सूतक या पातक हो जाने की स्थिति में
अगर श्राद्ध ना हो सकें तो दिवाली की अमावस को पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। अर्थात वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि आज से लेकर के पितृपक्ष से लेकर के दिवाली तक पितर जो है वो मृत्यु लोक में विचरण करते हैं। दिवाली के कई महत्व हैं पूजन के अलावा। ये जो दीपदान है ये पितरों के निमित्त ही किया जाता है। तो अगर इस दौरान कोई सूतक पात्र किसी के घर में हो जाता है, बच्चा हो जाता है या कोई डेथ हो जाती है, श्राद्ध नहीं हम कर सकते हैं, तो दिवाली को श्राद्ध किया जाता है। अब रही श्राद्ध में क्या करने की बात, तो शास्त्रों में ये भी लिखा है अगर आप कहीं जा रहे हैं या गरीबी है कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 3 जल की अंजलियां चश्मे पे पितरों के नाम दे दो और याद करो तो पितर प्रसन्न हो जाते हैं। तेल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर जल भी ना मिले, कहते हैं अगर रेगिस्तान में आप फंस जाते हैं कहीं, तो 3 मुट्ठी आप रेत की भी पितरों के निमित्त दे सकते हो, यानी उनको याद कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है जंगल में, तो आप खड़े हाथ करके उनको दंडवत प्रणाम कर सकते हो कि महाराज देख लो मैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, तब भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धा से दिया जाने वाला पदार्थ जो पितरों के निमित्त यह दिया जाता है। अभी मेरे को याद नहीं, मैंने पिछले हफ्ता ही एक टीवी चैनल पे एक महात्मा जी बोल रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि नासा ने ये सिद्ध किया है, इनके पास जो यंत्र होते हैं, कहते हैं कि सूक्ष्म रूप में हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि खरबों आदमी इस वक्त हैं, ये कौन सा चांस है। तो महात्मा जी ने कहा है उस दिन, नाम नहीं याद रहा है महात्मा जी का, कई मेरे भाइयों ने देखा होगा टीवी चैनल वो, तो उन्होंने कहा कि पितर जो है वो सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं और विचरण करते हैं। जो हमारे पुराणों ने हजारों साल पहले कहा था वो नासा ने भी सिद्ध कर दिया है कि ऐसी सूक्ष्म आत्माएं जो हैं सिर्फ हिंदुस्तान में ये आती हैं। अभी जो संयोग बना है ये 165 वर्ष में संयोग बना है, 165 वर्ष में पितृपक्ष के बाद आम तौर पर नवरात्र आ जाते हैं। इस वक्त अधिक मास आया है जिसको दुमासा भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं। तो दुमासा जो है आश्विन 18 अक्टूबर को शुरू हो रहा है, 18 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक अधिक मास रहेगा, यानी इस बार श्राद्ध के बाद एक महीना रेस्ट करके नवरात्र शुरू हो रहा है। तो ये जो संयोग अद्भुत है वो 165 साल में बन रहा है। अब कई इस पे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, कई कहते हैं ये अच्छा है, कई बुरा है। ये खगोलीय घटना है, इसमें अच्छे बुरे का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ग्रहों की चाल यथावत रहती है, ग्रहों की चाल से ही खगोलीय घटना होती है। ये एक गणित का है कि हर तीसरे साल अधिक मास जो है वो आता है। अधिक मास का अर्थ होता है सौर मास और चांद्र मास का सामंजस्य बिठाना। सौर मास 365 दिन 15 घड़ी 31 पल 30 विपल का होता है, चांद्र मास होता है 354, यानी 10 दिन का एक साल में फर्क पड़ता है सौर मास और चांद्र मास में। सौर मास में हम लोग शादी विवाह या वो जो प्रविष्टों के हिसाब से देखते हैं उसको कहते हैं सौर मास, और चांद्र मास में पितृपक्ष जो है पितृकार्य जो है वो चांद्र मास से देखते हैं। इसलिए सौर मास और चांद्र मास को इकट्ठा करने के लिए हर, जैसे अंग्रेज चौथे साल लीप का वर्ष निकालते हैं, हमारे भारतीय सिद्धांत में उसको मल मास निकालते हैं। इसका अच्छे बुरे फल की चिंता कोई नहीं है। अच्छे कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करो बुरा फल मिलेगा।